हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल कॉम्सकॉलर दिस इज कंटिन्यूशन वीडियो ऑन कैपिटल बजटिंग डिसीजन एंड वी आर कंटिन्यूइंग विद द क्वेश्चन नंबर सिक्स क्वेश्चन नंबर सिक्स देखिए वैसे बहुत काफ़ी तो सिंपल है बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डन दैनी कैपिटल बजटिंग डिसीजन पैरामीटर्स बस हमारा एक ही मेथड रह गया वो भी आप आज डिस्कस कर लेंगे देखिए अब तक हमने जो पैरामीटर्स डिस्कस किए हैं दैट इज़ रिलेटेड टू कैपिटल बजट डिसीजन वो है दैट इज़ पे बैक पीरियड पे बैक पीरियड का मतलब क्या होता है दैट इज़ वो प्रोजेक्ट जो हमें जो है कितनी जल्दी हमें जो है कैपिटल जो हमें लगाया था वो हमें रिकवर करके कर देगा राइट right? कितनी जल्दी वो हमें रिकवर करके देगा तो जो प्रोजेक्ट हमें जल्दी रिकवर कर देगा उसको बोलेंगे देंगे हम कैप, उसको उसको हम ऑप्ट कर लेंगे और उसी कंसेप्ट को बोलते हैं दैट इज़ पे बैक पीरियड फिर उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट कंसेप्ट है दैट इज कॉल्ड ए आर आर दैट इज एवरेज रेट ऑफ रिटर्न विच इज प्योरली बेस्ड ऑन नेट प्रॉफिट बेस्ड राइट देन उसके बाद आपका दैट इज नेट प्रेजेंट वैल्यू जो कि एक डिस्काउंटेड आपका जो है रेट फैक्टर जो है उस पर डिपेंडेंट है नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड का मतलब क्या होता है दैट मीन्स जो आप जो फ्यूचर में अर्न करने वाले हो उस प्रोजेक्ट से उसकी आज प्रेजेंट वैल्यू क्या है और उसको कंपेयर करते हैं प्रेजेंट वैल्यू के कैश आउटफ्लो से और फिर डिपेंड करता है कि आपका एन पॉजिटिव है नेगेटिव है या ज़ीरो है ये मैंने आपके आस पास में बता दिया था कि हम जो डिजन कैसे रहते हैं सिमिलरली वही रिलेशन है आपका दैट इज प्रोफिटेबिल इंडेक्स जो कि मॉरल है सिमिलर है दैट इज रिलेटेड टू एन पी मेथड दोनों में डिफरेंस ये है कि जो एन पी वी है या कोई जो आंसर देता है वो एक एप्सलिट टर्म में देता है बट अगर पी आई की बात करें यानी कि प्रॉफिट इंडेक्स की बात करें तो ये आपको टाइम इसमें आंसर देता है तो ये दोनों में ये डिफरेंस हो गया तो इसी वे बेस क्वेश्चन नंबर सिक्स है गोपी लिमिटेड इज कंसिडरिंग द परचेज ऑफ न्यू मशीन टू मशीन्स ए एंड बी आर अवेलेबल ईच कॉस्टिंग इन कंपेयरिंग द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द मशीन अ डिस्काउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न ऑफ टू बी यूज एंड मशीन इज टू बी रिटर्न ईयर्स बाई एस एल एम मेथड तो देखिए दोनों मशीन जो हम जो कोस्ट लगाना चाह रहे हैं वो कितने की दोनों की? पांच लाख रुपए हैं. एंड जो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न रिट नहीं रिट रिट बोल सकते कंपनी की जो कोस्ट है वो कितने पांच साल तक ये मशीन चलेगी मशीन ए की जो है ये सबसेकेंड ईयर में ये इनफ्लो क्या आएगा मशीन बी से ये इनफ्लो आएगा अब हमें लेना है दैट इज इंडिकेट विच मशीन शुड बी वुड बी प्रॉफिटेबल यूजिंग फॉलोइंग मेथड ऑफ रैंकिंग इन्वेस्टमेंट प्रपोजल क्या क्या मेथड है दैट इज पे बैक पीरियड मेथड एन पी वी मैथड प्रोफर्टिव इंडेक्स एंड ए आर आर हमने देखे चारों कर लिए हैं आपको आई गेस आपको अच्छे से समझ आ गया होगा आप इसको खुद ही करना मैंने बट यहाँ पर फिर भी आपके लिए एक फाइनेंसल लिख दिया है कि पे बैक पीरियड मशीन ए का कितना है दैट इज टू पॉइंट सिक्स मशीन बी का थ्री पॉइंट वन सेवन एन पी वी पॉजिटिव है दोनों का इसका है वन लैख फिफ्टी थाउजेंड एट फिफ्टी एंड इसका आएगा वन लाख एट्टी सिक्स थाउजेंड टू हंड्रेड पी आई वन पॉइंट थ्री वन वन पॉइंट थ्री सेवन ए आर आर परसेंट एंड एटीन परसेंट देखिए अगर आपको इन दो स्पर्मीटर डीजल लेना है तो देखिए कौन कौन से मशीन लेने हैं अगर आप पे बैक पीरियड की बात करोगे तो मशीन मशीन ए आपका जो है वो जल्दी आपको जो कैपिटल जो आप लगाया था वो जल्दी रिकवर कर रिक मशीन ए एन बी बी की बात करें तो एपिसोड में तो मशीन बी आ रहा है पी आई की बात करें टाइम्स में आएगा तो ऑब्वियसली मशीन बी आएगा ए एर आर की बात करें यानी कि वो हमें रिटर्न ज़्यादा कमा के दे रहा है तो बी आएगा यानी कि मोरल अगर देखिए ओवरऑल ठीक है तो उससे पे वैक पीरियड ही जो जो वो मशीन ए को सपोर्ट कर रहा है अदरवाइज आपको मशीन बी पे ही आपको इंडिविजुअली आपको आंसर देना है और राइट देखिए आपको समझ आ गया होगा अगर आप फिर भी आंसर मैच नहीं आता तो या कोई कंसेप्ट आपको समझ नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स पे इसको आप अपना जो है क्वेरीज लिख सकते हो चलिए अब हम बात करते हैं मूविंग टू दी नेक्स्ट कंसेप्ट बिकॉज हमने चारों कंसेप्ट लिए एक ही कॉल्ड रह रेट ऑफ रिटर्न इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न देखिए बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये एंड इसका जो मेजर जो चैलेंजिंग जो एस्पेक्ट रहता है वो रहता है कि सर एन और आई में क्या डिफरेंस होता है इसको वैसे हम आई भी बोल सकते हैं लेकिन अगर आपको इसको अच्छे से समझना है तो आप इसको ऐसा समझिए कि इंटरनल रेट ऑफर नहीं है इसको बोलेंगे हम एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न मैं सीधे सीधे एग्जांपल लेता हूँ जैसे मान लीजिए Uh, आपने मशीन में माने जो कैश आउटफ्लो है वो कितना है सपोज़ एट हंड्रेड ये एट थाउजेंड कर लेते हैं चलिए एंड आपका जो ओवरऑल जो कैश इनफ्लो आया इस मशीनरी से वो कितना है रुपीज़ टेन थाउजेंड अब अगर आपसे कोई पूछे कि इसका आपको एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न कितना मिला तो आप क्या करोगे सीधी सी बात है सीधे सीधे सिद्ध आप क्या करोगे भाई टू थाउजेंड आपको मिला आउट ऑफ एट थाउजेंड आउट ऑफ एट थाउजेंड मल्टीप्लाई बाई हंड्रेड दैट मीन्स आपको ओवरऑल इस रिटर्न कितना मिला दैट इज ट्वेंटी फाइव परसेंट यही कंसेप्ट है बहुत सिंपल है बट थोड़ा सा डिफिकल्टी आएगी वो कहा कि वो मैं आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा पहले मैं आपको सिर्फ एक बेसिक बता रहा हूँ कि आयर क्या होता है आयर का मतलब क्या है दैट इज़ दी एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न ठीक है मैंने एग्जाम्पल लिया दैट मीन्स अगर मान लीजिए किसी मशीनरी पर अगर आपने आउटफ्लो यानी कि मशीन खरीदी आपने आठ हज़ार रुपये की और उससे ओवरऑल आपको जो इनफ्लो हुआ वो कितना हुआ दस हज़ार रुपये का यानी कि चाहे वो कितने भी साल में की ना हो ओवरऑल आपको दस हज़ार रुपये इनफ्लो हुआ जब कंपेयर करोगे तो तब अच्छा इसमें याद रखना कि जो मैंने इनफ्लो आर्टफो लिया है ये मैं कंपेयर करना है तो ऑब्वियसली आपको जो सेम लेवल पे लेना पड़ेगा तो क्या करूंगा मैं इसको यहाँ पे लिखूंगा कि प्रेजेंट वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो तभी तो कंपेयर करोगे बस सीधी सी बात आ है जैसे देखिए कंपेयर जो आपको कहते हैं सेम लेवल पर होना चाहिए जैसे मान लीजिए पास ए पर्सन है और ये कि बी पर्सन है ठीक है मैं दोनों का वेट मेजर मेजर करना चाह रहा हूँ ठीक है अब दोनों का अगर मैं सेम लेवल पे खड़ा करूंगा तभी तो मैं दोनों का वेट मेजर कर पाऊंगा ठीक है ना या फिर मान लीजिए अगर मैं हाइट मेजर करना चाह रहा हूँ अब ये तो है नहीं कि मैं इसको जो है इस लेवल पे जो है हाइट मेजर कर रहा हूँ इसके मैं इस लेवल पे हाइट मेजर कर रहा हूँ अब ये बोल रहा हूँ कि भाई बी ज्यादा बड़ा है ऐसे नहीं बोल सकते ना तो जब भी आप कंपेयर करते हो दोनों का बेस लेवल सेम होना चाहिए तो ऐसे यहाँ पर कंपेयर कर रहे हैं किसको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो मीन्स आउटफ्लो इनफ्लो का अगर बेस लेके चलना है तो दोनों की प्रेजेंट वैल्यू निकालो ठीक है और उसके बाद देखो कि आपको ओवरऑल कितना रिटर्न मिला इसको बोलते हैं एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न राइट अब अगर इसका हम दूसरा मीनिंग भी देखें जैसे देखिए हम प्रॉफिट इंडेक्स होता है तो अगर हम जब निकालते हैं प्रॉफिट इंडेक्स, हैं, तो, हैं इंडेक्स हैं, तो कैसे करते हैं देखिए कैश इसमें आपका जो आई एन रहेगा वो कैसे रखा देखिए कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय कैश आउटफ्लो इज इक्व टू वन सर ये समझ नहीं आपने इक्व टू वन क्यों लिखा मीन्स आप कहना चाह रहे हो कि जितना हमने पैसा लगाया और उतना ही हमें अगर इनफ्लो मिल रहा है तो हम पैसा क्यों लगाएंगे सर मतलब हम एक लाख की मशीन लगाएंगे और एक लाख ही हमें रिटर्न मिल रहा है या मान लीजिए हमें एक लाख के वापस मिल रहा है ठीक है तो हम क्यों लगाएंगे पैसा वैसे तीस बात है जैसे मान लीजिए अगर मान लीजिए अगर आप एक लाख रुपए आज लगा रहे हो एक लाख रुपए आज लगा रहे हो एंड ओवर टाइम मान लीजिए आपको मिल रहे हैं कि बीस हजार रुपये आपको हर साल मिल रहे हैं बीस हजार रुपये अगर आपको हर साल मिल रहे हैं ठीक है तो टोटल कितना होगा ये एक लाख रुपए हो गया सर मतलब हमने लगाया एक लाख और इनफ्लो इनफ्लोमला एक लाख तुम क्यों लगाएंगे और दूसरी बात सर इसको जब हम प्रेजेंट वैल्यू में लेके आएंगे तो उसकी वैल्यू तो समाव कम हो जाएगी

अमाउंट है वो माने जी ये मान लो मैं एक लाख वीजा कर दूँ और और जब मैं इसको यहाँ पर लेके आ रहा हूँ प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट कर रहा हूँ तो इसकी वैल्यू आई कितनी है एक्चुअल में वन लाख ही आई वन लाख ही आई तभी यही हो जाएगा यस तो इसका मतलब क्या हुआ अब देखो ये कंसेप्ट आपका किससे रिलेट होगा एन पी वी से एन पी वी से हो गया ना एन पी बी बिल्कुल कंसेप्ट है और आया दोनों में डिफरेंस क्या है यहाँ पर ध्यान समझिए देखिए अगर आपने एन पी वी को अच्छे से पढ़ा हो तो आप क्या करते हो फार्मूला क्या करते सिंपल सीधी सी बात सर फॉर्मूला की बात करते हैं आप कहते हो कि सर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस करते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो यही करते हो मीन्स आप क्या करते हो कि जो भी आपको कैश इनफ्लो जो फ्यूचर में मिल रहा है इसको आप कन्वर्ट करते हो प्रेजेंट वैल्यू से और फिर कंपेयर करते हो इसके प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो से ठीक है और फिर आप जो है डिजन लेते हो कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है कि जीरो है ठीक है

और आपको उतना ही मिल रहा है आपको उतना ही मिल रहा है ठीक है वैसे में एग्जाम्पल मान ये आपका हर साल दस परसेंट से आपका जो है ये कैश इनफ्लो मिल रहा है और जब आपने कन्वर्ट किया तो आपकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी एक लाख रुपए आई तो ये कंसेप्ट क्या बन गया ये तो बन गया आपका दैट मीन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डि कैश आउटफ्लो इज इक्व टू वन आ गया इसका मतलब क्या हुआ कि जितना आपने सोचा उतना ही कम आया उससे बोलते हैं एक्चुअल रिटर्न सर मतलब अगर नहीं आया तो फिर नहीं है तो क्या मतलब हुआ जैसे मान लीजिए देखिए एनपीवी मान लीजिए आपने एनपीवी से आपका पॉजिटिव आया बीस परसेंट मतलब क्या हुआ मतलब ये हुआ कि आपका एक्सपेक्टेड था दस परसेंट ठीक है लेकिन आपको ज्यादा मिल रहा लेकिन कितना मिल रहा है यह आप निकाल पाओगे आपका एक्सपेक्टेड कितना था दस परसेंट एनपी कितना है 20, 20, आपका पॉजिटिव में आया दैट मीन यू आर गेटिंग मोर देन टेन परसेंट में मिला कितना क्या आप निकाल पाओगे वो अगर निकालना है तो आपको किसकी हेल्प मिलनी पड़ेगी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मिला अगर आपको 10 तो आपको टेन परसेंट टेन परसेंट से कम मिला लेकिन कितना मिला नौ परसेंट आठ परसेंट सात परसेंट ये कैसे निकालोगे ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न राइट तो देखिए एनपीवी जो बताता है वो बताता है कि आपका जो एक्सपेक्टेड रिटर्न था उससे आपको कम मिला या ज्यादा मिला या उसके इक्ट मिला ठीक है है लेकिन आयर क्या बोलता था? वो बताता है कि आपका रिटर्न कितना भी हो हमें उससे मतलब नहीं है हम बताते हैं कि एक्चुअल में कितना मिला आपको हम बताते हैं कितना एक्चुअल हुआ अब उसके बाद फिर आप कंपेयर कर लो कि एक्सपायरी कितना आपका आते हैं इसके थोड़े से जो आपका जो बेसिक जो इसका अगर देखें क्रक्स अगर देखिए जो है वो फंसता है वो ये फंसता है जैसे मान लीजिए आपको आपने निकाला तो आप एन बेस पे ही निकालोगे तो आप एन पी बेस पे भी मान लीजिए आपका जो है एन पी एट टेन परसेंट मान लीजिए मैं सिर्फ एग्जांपल ले रहा हूँ मान लीजिए आया ट्वेंटी परसेंट ट्वेंटी थाउजेंड एन जो एट टेन परसेंट आपका ट्वेंटी थाउजेंड अब आयर जो होता है ना अगर आपको एक्चुअल रिटर्न निकालना है तो ये बेसिकली प्योरली जो बेस्ड है वो है दो रिटर्न यानी कि इसका जो फॉर्मूला है ना वो इस तरह से बनाया गया है कि आपको दो एक्चुअल रिक्वयर्ड रिक्वायर्ड रिटर्न की जरूरत पड़ेगी और तब तो ये बताता है कि इस आपको एक्चुअल में कितना मिला ठीक है चलिए मैं इसके जो है फॉर्मूले आता हूँ कि आयर का फॉर्मूला क्या है आयर क्या सुनाते हैं आई आर आर दैट इज इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न एजिक्वल टू लोअर रेट लोअर रेट प्लस एन पी वी एट लोअर रेट डिवाइड बाई एन पी वी एट लोअर रेट माइनस एन एट हायर रेट और फिर इसको मुटले करेंगे डिफरेंस बिटवीन द रेट ये फॉर्म मिला आपको दैट मीन्स आपको एन का तो आपका हेल्प लेनी पड़ेगी एन पी आपको पता ही कैसे निकालते हैं अब एन पी बी एट लोअर रेट यानी कि आपको यहाँ पर या तो दो रेट गिवन होंगे दो रेट गिवन है पर तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको अगर गिवन है दोनों रेट जैसे मान लीजिए एक आपको एन पी भी निकालना है सपोज टेन परसेंट के हिसाब से एक आपको निकालना है सपोज पंद्रह परसेंट के हिसाब से ठीक है दोनों का एन पी भी निकालो और फॉर्म लगे वैल्यू रख दो कुछ है ही नहीं सिंपल है आपको करना क्या देखिए मान लीजिए आपका है एन पी आपको आपने निकाले टेन परसेंट के हिसाब से पंद्रह आपका टेन परसेंट प्लस एन पी एट लोअर रेट एन पी NPV निकालो एट लोअर रेट एन पी निकालो एट हायर रेट डिफरेंट रेट कितना आपका फाइव कुछ नहीं सिंपल है तो यहाँ पर बेसिकली अगर इंटरनल रेट है ठीक है आपका जो मामला जो फसता है वो तब तो फसता है अगर मान लीजिए यहाँ पर एन का रेट आपको सिर्फ एक ही गिवन वन है जैसे मान लीजिए सिर्फ दस और फिर भी आप निकालो आई सर कैसे निकालेंगे क्योंकि हमको एन तो मान लीजिए दस परसेंट ही गिवन है मान लीजिए यहाँ पर सिर्फ दस परसेंट अब निकालो अब आई आर आर अब आपको देखना है यहाँ पर लिखा हुआ है दो फॉर्म लिखे एन पी वी एट लोअर रेट एन पी वी एट हाई रेट अब पता कैसा रहे कि ये लोअर रेट है कि हाई रेट है ये कैसा पता चले पहली बात तो यही मुसीबत है कि इसको सम्... कि इसको लोअर रेट और हाई रेट कैसे माने ये इस तरह समझना है ध्यान से देखिए मैं आपको एक थोड़, थोड़ा सा और कंसेप्ट चाहता हूँ देखिए एनपीवी अगर आप जो कंसेप्ट अगर आपने अच्छे समझाओ तो एन क्या बताता है जैसे एन पी तो मान लीजिए अगर आया सपोज फिफ्टी थाउजेंड प्लस में आया फिफ्टी थाउजेंड आपका प्लस ठीक है तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके जी मान लीजिए ये एनपीवी आया सपोज ये आया आपका सपोज एट uh, परसेंट के साथ से। अब मान लीजिए मैं सेम लेवल पर लूँ एन अगर मान लीजिए अगर आप इसको 10 परसेंट करते हैं तो आपका एन कितना आएगा एन क्या होगा देखिए ये क्या होता है कॉस्ट होती है अगर मान लीजिए कंपनी की कॉस्ट बढ़ गई कॉस्ट बढ़ने से क्या होगा एन कम हो जाएगा तो एन मान लीजिए यहाँ पर आया सपोज प्लस फिफ्टी कम हो गया, तो गया? मतलब जैसे जैसे आपकी ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल या डिस्काउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपका एन कम हो जाएगा तो इसका मतलब हमेशा याद रखना जो डिस्काउंटिंग डिस्काउंटिंग जो फैक्टर होगा वो अगर इंक्रीज हुआ तो एन आपका डाउन होगा एंड वाइस लीजिए डिस्काउंटिंग फैक्टर अगर आपका डिक्रीज हुआ तो एन आपका इंक्रीज हो जाएगा बी किसी कंपनी की कॉस्ट है क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आपका एक्सपेक्टेड ऑफ रिटर्न इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम तो बात कर रहे हैं कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है दैट जैसे जैसे कंपनी की कॉस्ट बढ़ जाएगी तो कंपनी का ओवरऑल जो है वो प्रॉफिट कम होता जाएगा प्रॉफिट कम होगा दैट मीनस उसकी कैश इनफ्लो कम होगा कैश इन्फ्लो कम होगा दैट मीन्स आपका एनपीवी कम हो जाएगा राइट right? तो यही यही अगर आपने ये कंसर्ट समझ तो आप एनपीवी समझ जाओगे कि कैसे कैसे लो रेट लेना है कैसे कैसे हाई रेट लेना है ऑलराइट सो आई होप आपको अब तक जो जो समझाया इज आपको समझ होगा। चलिए इसको हम बेटर समझते हैं कैलकुलेट दर ऑफ ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल प्रोजेक्ट क्वेश्चन टेन थाउजेंड है और आपको ईयरली बेसिस मिल रहा है अब देखिए मैंने पहला क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट लिया पर देखिए एक ही रिटर्न गिवन है तो आपको तो चलो चलो समझ आज भी जाएगा कि यहाँ पर मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा तो था तो देखिए इसका सोल्यूशन तो आपको बताइए कैश आफ कितना दैट इज़ वन लाख टेन थाउजेंड इनफ्लो देखिए कितना कहता है सिक्सटी ट्वेंटी टेन थाउजेंड फिफ्टी थाउजेंड रेट ऑफ आपको कितना मैंने टेन परसेंट के हिसाब से मैंने इसका प्रेजेंट वेट निकाली तो टोटल कितना है दैट इज़ वन लाख ट्वेल्व थाउजेंड सेवन हंड्रेड ट्वेंटी सो दैट मीन्स एन पी वी एट ट्वेल्व परसेंट कितना आपकी वैल्यू है दैट इज़ टू थाउजेंड सेवन हंड्रेड ट्वेंटी डिफरेंस निकालेंगे आउटफ्लो और इनफ्लो का और एन पी वी आकअप का ये ठीक है ठीके? अब इसके बाद आपको क्या क्या करना है धन से सुनिए देखिए एन पी वी पॉजिटिव आया है हमेशा देखना जब भी आप ये वैल्यू लोगे ना यहाँ से देखिए ये जो मैंने फॉर्म लिखा है एन पी वी एट लोअर रेट एन पी वी हाई रेट ठीक है तो इसमें आपको क्या करना है कि ये तो आपकी आएगी पॉजिटिव वैल्यू और ये आएगी आपकी नेगेटिव वैल्यू क्योंकि तो ऑब्वियसली एन पी वी जितना हायर होगा ठीक है दैट मीन्स आपकी क्या आएगी आपकी वैल्यू जो कम होगी ठीक है ना ये तो होगा तो इसका मतलब क्या होगा दैट मीन्स आपको क्या करना है भाई एन पी ब्रिट जितना हाईराइट होगा उतना नेगेटिव होगा आपका ठीक है तो आपका करना आप हमेशा इसको एक पॉजिटिव वैल्यू लेना और एक नेगेटिव वैल्यू लेना ऐसा मान लीजिए एनपीवी आपका पॉजिटिव आ गया अब एक नेगेटिव वैल्यू लेना नेगेटिव वैल्यू लेने का मतलब आपको एनपीवी आपको बढ़ाना पड़ेगा ठीक है तो मैंने क्या करा एनपीवी पी दो परसेंट से बढ़ाया तो यहाँ पर ही वैल्यू हो गया अच्छा सर आपको कैसे पता चला कि दो परसेंट बढ़ाएंगे तो ही आएगा देखिए ये तो थोड़ा सा आपको देखिए ट्रायल एंड एरर बेसिस करना होगा ठीक है देखिए मैं आपको यहाँ पर देखना आपके पास थोड़ा सा देख इतना तो आपको देखो थोड़ा सा दिमाग चलाना पड़ेगा जैसा मान लीजिए आउटफ्लो कितना है एक लाख दस हज़ार का और उसमें से आप जो दस परसेंट के हिसाब से इतना कमा रहे हो तो ऑब्वियसली देखिए यहाँ पर मार्जिन ऑलरेडी बहुत कम है ठीक है ऑलरेडी बहुत कम है तो दैट मीन्स आप थोड़ा सा भी अगर आप डिफरेंस करोगे तो डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा आएगा ठीक है ऐसा नहीं है कि सर आप अच्छा सर अगर मैं तेरह परसेंट लूँ तो बिल्कुल ले सकते हो आंसर तब तो आप भी आपको सेम आएगा तेरह परसेंट लगो तब आंसर आएगा पंद्रह परसेंट लगे तब भी आपका आंसर सेम आएगा मेरे और आपके आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा राइट तो कोई दिक्कत नहीं है आप बस टेन हाइयर बेस देखना कि कितना आप क्लोज जाओ ताकि आपको जो है वैल्यू जो है ना एन आपको नेगेटिव मिल जाएगा यानी कितना आप हायर जाओगे राइट बस बाकी आप फॉर्मूल यहाँ देखिए लोअर रेट कितना है टेन परसेंट एन एट लोअर रेट इतनी वैल्यू होगी एन पी वी रेट लोअ रेट इतना हो गया एनपी बी हाई रेटेटिव मेंजन थाउजेंड फाइव हंड्रेड बिटवीन द रेट दट इज टू परसेंट तो बस फाइन आंसर क्या होगा दैट इज इलेवन पॉइंट ये क्या है आपका ये आपका आया एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न अगर आप ध्यान से देखो इसी क्वेश्चन को देखिए जब आपने एन पी वी निकाला तब आपकी एन पी बी की वैल्यू पॉजिटिव आई दैट इज था ट्वेंटी ये क्या बता रहा था आपका एक्सपेक्टेड था टेन परसेंट लेकिन आपको ज़्यादा मिला लेकिन कितना ज़्यादा मिला ये आपको पता नहीं था पता ही नहीं था कितना ज़्यादा मिला जो ग्यारह परसेंट मिला बारह परसेंट मिला तेरह परसेंट मिला कितना मिला आपको पता नहीं था तो इसके लिए आपको क्या आंसर आता था आय की तरफ ताकि आपको पता लगे कि आपको एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न कितना मिला तो आपने कहा एक ट्रायल लाइन बेसिस पे एक और आपने परसेंटेज बेसिस पे आपने एन पी भी निकाला जो कि नेगेटिव वैल्यू आई ठीक है और फिर आपने इसको वैल्यू दिया फॉर्मूले में और आपका आंसर आ गया दैट इज़ एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न राइट

आपको जो चूज़ करना है या तो प्रोजेक्ट ए या बी ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट इंडेक्स एंड आई आर तो देखिए सिंपल है मैंने सिर्फ जो है आंसर लिखे हुए हैं एन पी भी निकाल लिया मैंने वैसे तो देखो रिक्वायरमेंट नहीं थी बट फिर मैंने निकाल लिया ये आ गया आपका और आई आर आपका सर आगे ठीक है आप देखिए डिफरेंस आप इजिली आप अपने बेसिस पे लेना कि एन पी भी यहाँ पे सिर्फ दस परसेंट की है आपको ठीक है दैट मीन्स आपको यहाँ पर हो सकता है कि मार्जिन ज़्यादा आ रहा हूँ बस सीधी सी बात आप देखिए ना क्वेश्चन में देखिए आप पुजरे की कॉस्ट कि कितनी है दो लाख रुपए की कमा कितने रहो पच्चीस हज़ार देखिए यानी कि आप जो बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं ने ने नेगेटिव आने के लिए थोड़ा आपको परसेंटेज ज्यादा लानी पड़ेगी तो थोड़ा सा डिफरेंस ज्यादा हो जाएगा राइट चलिए ना मूविंग टू क्वेश्चन नंबर नाइन देखिए नाइन काफी ईजी है राम वीर लिमिटेड कंसिडर दूचुअल एक्सलेस प्रोजेक्ट्स ए एंड बी प्रेजेंट वैल्यून आपको इनफ्लो की ये के आपके प्रेजेंट वैल्यू आपको ऑलरेडी कैलकुलेट करके दी हुई है आपको निकालने नहीं है बीस हजार और आठ हज़ार इनिशियल कैश प्रोजेक्ट ए का कितना पंद्रह हज़ार इसका पाँच हजार एन बी भी आपको कैलकुलेट करके दिया हुआ है पाँच हजार और तीन हजार एंड पी एच रेखा को देश आपको निकालना बीच प्रोजेक्ट तो आप ही तो ईजिली आप कर लोगे आपको पता ही कौन से पैरामीटर पर कैसे कैसे आपको जो है आंसर देने होते चलिए नंबर टेन प्रोवाइडेड टू यू टू द मशीन शुड बी सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एनपीवी अप्रोच तो एनपीवी तो को आप आराम से निकालोगे कोई, कोई दिक्कत ही नहीं है आप इसका सोल्यूशन देख सकते हैं यहाँ पर एनपीवी निकाला हुआ है मैंने मशीन ए का मशीन बी में यहाँ पर देखिए थोड़ा सा पर जो डिफिकल्टी पॉइंट यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो यहाँ पर देख सकते हैं देखिए है मशीन ए देख की कोर्स तो इतनी दी हुई है लेकिन मशीन बी की कोस कितनी है देखिए है अगर लिखा हुआ है कि हाफ पेबल अमाउंट इमिजिएटली एंड हाफ पेबल अमाउंट इन वन ए टाइम यानी कि जब मशीन बी की बात करें जब खरीदेंगे तो टोटल तो तो जो कॉस्ट कितनी पड़ी है दैट इज़ वन लाइन एंटी थाउजेंड जब खरीदेंगे तो एट द टाइम ऑफ परचेज हाफ पेमेंट तो इमीजिएटली कर देंगे बट हाफ पेमेंट जो वो एक साल बाद करेंगे तो इसके देखिए आपको कैलकुलेशन कैसे करनी है जब आप कैश आउटफो निकालोगे तो नाइन्टी फाइव थाउजेंड तो आप एट प्रेजेंट ले ही लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन एक साल बाद करोगे तब आपका देखिए रिटायर रिक्वायर रेट ऑफ कितना है दैट इज है तो एट परसेंट के हिसाब से आपको जो यहाँ पर पी वी एफ निकालना होगा यानी कि इस नाइन्टी फाइव थाउजेंड की आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालनी होगी तो टोटल आपकी जो है कैश आउटफ्लो ये आएगा बस बाकी सिमिलर से सेम है आपको जो हर कैश इनफ्लो का प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है ये आ गया आपका और एन बी आपका कितना दैट इज वन थाउजेंड ट्वेंटी फिफ्टी और कुछ नहीं है बाकी सब कुछ सेम है चलिए क्वेश्चन नंबर इलेवन ये सेम है आपका देखिए अब मोरलैस आपका देखिए यहाँ पर आपको दोनों यहाँ पर जब पे बैक पीरियड एंड रेट ऑफ रिटर्न निकालना है तो कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी ऑल राइट मशीन क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व ये भी देखिए बहुत ईजी है कोई दिक्कत नहीं है आपको आई आर निकालना है एन एक ही आपको परसेंटेज की बनाएगा दूसरा परसेंटेज आपको देखना पड़ेगा कि आपका नेगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव आ रहा है तो उसके बेसिस पे आपको निकालना है यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्टीन में यहाँ पर आपको दो रेट की बनाए आपको क्वेश्चन में गिवन है तो ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सिंपल बन जाएगा इन्वेस्टमेंट अमाउंट कहते कितनी है वन लाइक थर्टी सिक्स थाउजेंड है एंड आपको जो इनफ्लो गिवन है प्रॉफिट बिफोर डेपकेशन बट आफ्टर टैक्स गिवन है कोई दिक्कत नहीं है और इन्फ्लो आपको गिवन है हर साल का दिस, दिस अमाउंट पी वी एफ गिवन आपको दस परसेंट के हिसाब से बारह परसेंट के हिसाब से निकालना है आई रहा तो देखिए कोई दिक्कत नहीं है अगर आप देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्टीन का सोल्यूशन देखिए अगर आप एन पी भी निकाल लिया आपने टेन परसेंट के हिसाब से ये अमाउंट आगा होगा क्या ट्वेल्व परसेंट हिसाब से ये आ गया तो एक नेगेटिव वाली एक पॉजिटिव वाली कोई दिक्कत नहीं है फॉर्मूल रखो रखा ट्वेल्व टेन पॉइंट ट्वेल्ल परसेंट टेन पॉइंट सेवन परसेंट ये आपका कहेगा आई रहा है ठीक है सिंपल है देखिए क्लास ये तो अच्छा भी एक बार मैं ऊपर देख लेता हूँ कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट है तो नहीं इसमें देखिए वैसे तो सब कुछ से, सेम ही है एवरेज प्रॉफिट मेथड आपका इसमें so class this is the all about the capital budgeting decision i hope you have understood all the concept very well thank you